प्रिया भार्गव, मिस व्हीलचेयर इंडिया 2015। ये सिर्फ एक नाम नहीं, हौसले की वो मजबूत उड़ान है जिसने उम्मीदों का पूरा आसमान अपनी बाहों में समेट डाला। मेरा बचपन काफ़ी आम लोगों की तरह बीता। 19 वर्ष तक मैंने वो सब किया जो एक आम बच्चा करता है, स्कूटर ड्राइव किया, कॉलेज गई, मस्ती की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, फ्रेंड लोगों के साथ पिकनिक गई, डांस में पार्टिसिपेट किया, नेशनल लेवल तक गई, उसमें सब कुछ सही सही चल रहा था और वैसे ही चल रहा था जैसा मैं चाहती थी। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने फिजियोथेरेपी का कोर्स ज्वाइन किया। मैं बहुत खुश थी कि अब तो सब कुछ अचीव कर लिया जो मैं चाहती थी, अब बस लोगों की सेवा करना रहता है। ल्यूपस की वजह से प्रिया की लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाने से वो व्हील चेयर पर आ गई। शरीर हारा लेकिन जज्बा जीत गया। हम बहुत मुश्किल दौरों से गुजरे हैं जब प्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर उसने काफ़ी हिम्मत से बीमारी का सामना किया है और हमारे टूटी हुई हिम्मत को भी उसने मजबूत किया है। प्रिया का बचपन तो बहुत मज़ेदार था। ये बचपन में इतनी चुलबुली, इतनी हंसमुख थी कि मैं बता नहीं सकती। पूरे टाइम ये हंसती रहती थी। जब स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो ये क्या करती थी, अपनी दीदी के साथ घर आती थी। वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारा घर स्कूल से, तो ये अपनी दीदी को बोलती थी कि हमारा बैग 2 मिनट के लिए पकड़ना, और ये दौड़ लगा कर उसको बैग पकड़ा कर दौड़ लगा कर घर आ जाती थी। जब वो घर आती थी तो बेचारी दो दो बैग लेकर थक जाती थी। वो बोलती, मम्मी देखो इसको समझाओ ये कैसे करती है, हमको दोनों बैग लेके आना पड़ता है। तो इस तरह से ये काफ़ी शैतानियाँ करती थी। दूसरी इनकी क्वालिटी ये है कि ये मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, हम लोगों को भी मोटिवेट करती हैं, और बच्चे जो पढ़ते हैं इनको, जिनको पढ़ाती हैं उनको काउंसलिंग करती हैं, मोटिवेट करती हैं। मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं अपना खर्चा खुद निकाल लेती हूँ। कैसे? स्टूडेंट्स पढ़ाकर, अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट कर और कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स के लिए लिखकर। प्रिया के साथ दोस्ती बिल्कुल देखा जाए तो एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें कि सारे इमोशंस हैं। जब प्रिया मस्ती के मूड में होती है तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देती है, और जब समझाने पे आती है तो एकदम बिल्कुल माँ की तरह समझाती है। और जिस दर्द से, जिस परेशानी से प्रिया गुजरी है या आज भी गुजर रही है, लेकिन उसके जज्बे को देखकर लगता नहीं कि वो इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। उसके जज्बे को हमारा सलाम, और उसके जैसा दोस्त मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में हो। I have been selected among top 25 finalists in Miss World Wheelchair Contest and I'm going to represent India on 7th of October at Poland. So मुझे आप सबकी बेस्ट विशेज़ की और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।